पुलिस की दबंगई से ट्रेन की चपेट में आकर पैर गंवाने वाले सब्जी विक्रेता अरसलान का शनिवार को लखनऊ के पीजीआई में ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों को एक पैर काटना पड़ा, दूसरा बचाने की कोशिश जारी है। पीजीआई के डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन ने बताया, आईसीयू में भर्ती अरसलान की तबीयत स्थिर है। एक तरफ सब्जी बेचकर 6 सदस्यों वाले परिवार का पेट पालने वाला 17 साल का अरसलान जिंदगी की जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस पूरे मामले की लीपापोती में जुटी हुई है। हादसे के 24 घंटे बाद भी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। बहाना बनाया जा रहा है कि अरसलान के परिजन जब तहरीर देंगे तब कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों का आक्रोश शांत करने के लिए बस एक सिपाही को सस्पेंड कर खानापूर्ति कर दी गई है। आपको बता दें, शर्मनाक मौत से जूझ रहा अरसलान, अपनी करतूत छिपाने में जुटी पुलिस। पुलिस की दबंगई से अपना एक पैर गंवा चुका सब्जी दुकानदार अरसलान, जो महज 17 साल का है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। 6 सदस्यों का पेट पालने वाले अरसलान को मौत के मुंह में ढकेलने वाली पुलिस 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं की। आक्रोश के चलते एक पुलिसकर्मी सस्पेंड हुआ है। दरोगा को बचाने में पूरा महकमा जुटा हुआ है। अफसरों का कहना है कि परिजनों से तहरीर मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जीटी रोड किनारे 17 साल का अरसलान ठेला लगाकर टमाटर बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पिछले दिनों दरोगा व एक सिपाही ने ठेला हटाने में देरी हुई तो पुलिस वाले ने आओ ना देखा ना ताओ, भाई हम तो हैं खाकी वाले, हम हैं सबसे बड़े गुंडे, अरसलान का ठेला उठाकर ट्रैक पर फेंक दिया। उसमें जो सब्जियां थी वो ट्रैक पर बिखर गई, जिसे सिमेटने के लिए एक गरीब लड़का 17 साल का ट्रैक पर दौड़ा और ट्रेन की चपेट में आने से उसकी दोनों टांगे कट गई थी, जिसे इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया है। वहीं लोगों ने उगाही का आरोप लगाते हुए दरोगा पर भी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस वालों ने गरीब सब्जी वालों को घूरत दिया। पुलिस के इस रवैये से व्यापारियों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें, डंडा मारने पर 3 फीट की दीवार पार चला गया तराजू। पुलिस किस तरह से सीधे सीधे कमिश्नर के भी आंख में धूल झोंकने का कार्य कर रही है। अपनी दबंगई को छुपाने के लिए खाकी की एक तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं। पुलिस अफसरों ने अरसलान की तराजू फेंकने की घटना को तोड़ मरोड़ कर पुलिस कमिश्नर के सामने भी पेश किया गया। पुलिस कमिश्नर को जानकारी दी गई कि पुलिस ने सिर्फ ठेले पर डंडा मारा था जो तराजू पर लगा, जिसकी वजह से तराजू 3 फीट उछल कर दीवार फांद कर ट्रैक जा गिरी। तराजू नहीं, वो फुटबॉल हो गया था। पुलिस की ये सफाई खुद पुलिस कमिश्नर के गले नहीं उतर रही थी। अरसलान 6 लोगों के परिवार का अकेला सहारा था। 17 साल के अरसलान के ऊपर इस छोटी सी उम्र में कितनी जिम्मेदारियां थी। 17 साल के अरसलान को जिम्मेदारियों ने छोटी उम्र में बड़ा बना दिया। वह 6 सदस्यों वाले परिवार का अकेला सहारा है। सुबह देर से रात तक सब्जी बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है। अरसलान छोटी सी उम्र में ही सब्जी बेचने लगा था। माँ से बेपनाह मोहब्बत करने वाले अरसलान की फिक्र का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने माँ की नौकरी छुड़वा दी। साहेब नगर के पड़ोसी बताते हैं कि पिता नशेबाज है। अरसलान ने माँ को
प्यार भरी हिदायत दी थी कि आपको काम नहीं करना है बल्कि घर देखना है, पैसा कमाने की जिम्मेदारी मेरी। इस तरह छोटी सी उम्र में परिवार चलाने की बड़ी जिम्मेदारी अरसलान ने अपने कंधों पर उठा ली। उसका बड़ा भाई करीम भी इसमें उसकी मदद करता है। अरसलान की माँ फातिमा पति सलीम के साथ साहिब नगर में रहती थी। गुरुदेव स्थित वस्त्र भवन के पीछे मस्जिद वाली गली में एक कमरे में किराए पर रहने लगी। फातिमा ने बड़ी बेटी शाहिदा का निकाह कर दिया है। वहीं तीन बेटियां आलिया, आमना, आजिया साथ हैं। अरसलान ने कहा, माँ आराम करो, मैं घर चलाऊंगा। रोते हुए फातिमा बताती हैं, एक माँ किस तरह से तड़प रही है अपने बेटे के लिए, जो दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा करके परिवार का पेट पालता था, लेकिन ये दबंग पुलिस दबंग खाकी की वजह से आज वो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में पड़ा हुआ है। रोते हुए फातिमा कहती हैं, वह एक अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थी। मेरे बेटे ने नौकरी छुड़वा दी। उसने कहा, माँ बहुत काम कर लिया, अब तुम आराम करो, मैं हूँ ना कमा कर घर चलाऊंगी। इस घटना के बाद तीनों बेटियां बड़ी बहन के पास चली गई हैं। वहीं बड़ा बेटा और खुद पीजीआई में अरसलान का इलाज करा रही हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये ऐसे खाकी पर, ऐसे दबंग पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कब तक गरीबों पर, मजलूमों पर इस तरह के खाकी दबंगई दिखाती रहेगी? आखिर क्यों नेताओं के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता? सवाल तो पूछेंगे ही।